अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गौर से आपने समझना है। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास पेपर आ रहा है नजर आपको। मैंने आज के लेक्चर का फोल्डर एक अपलोड किया है, SLR का, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का। SLR कहते हैं इसको, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इसका मैंने फोल्डर अपलोड किया है इसके ऊपर MyLMS के ऊपर, और उसके अंदर पांच पेपर इसमें दिए गए हैं। वो पांच पेपर एज ए आपने टेम्पलेट यूज करने हैं अपने पेपर का मेथोडोलॉजी सेक्शन लिखने के लिए। एक बात, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो होगा हमारा रेफरेंसिंग लगाने के लिए, क्योंकि अभी आपका रिसर्च पेपर आपका वो अबाउट टू कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन सेक्शन भी करवा दिया है, लिटरेचर रिव्यू भी करवा दिया है। ये आपका आएगा, अगला एक सेक्शन आएगा मेथोडोलॉजी का, और उसके बाद आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन आएगा। रिजल्ट एंड डिस्कशन के सेक्शन के अंदर हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन का सेक्शन आएगा और रेफरेंसिंग का सेक्शन आएगा। जो रेफरेंसिंग है वो मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा, कंक्लूजन कोई इतनी बात नहीं, 5-10 मिनट की बात है। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं और कंक्लूजन में क्या बातें करनी होती हैं, ये हम देखेंगे। और रेफरेंसिंग ये मैं आपको एक आधे लेक्चर के अंदर ही करवा दूंगा, क्योंकि आपके 6 लेक्चर सिर्फ रह गए हैं पीछे, 10 लेक्चर हो गए हैं, 2 लेक्चर मेरे शॉर्ट हैं, तो वो हम आगे जाके साथ ही रीटेक कर लेंगे। किसी एक दिन 2 लेक्चर कर लेंगे क्लास के बाद, या बीच में 2 लेक्चर कर लेंगे। तो ये आप जरा इसको, जरा लेक्चर को जरा ध्यान से सुने और इसके ऊपर अमल करना है और समझे इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये एक पेपर है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर आपने जितने भी पेपर करने हैं PhD के स्टूडेंट्स के अलावा, PhD के स्टूडेंट्स जो है वो साइंटिफिक पेपर देंगे अपना, वो अपना कोई और सेक्शन अपलोड करेंगे इस असाइनमेंट की जगह के ऊपर। और जो MS के स्टूडेंट्स हैं वो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन जो है वो इस पेपर के हिसाब से अपना पेपर करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी मैंने कुछ बता दिया हुआ है, बाकी मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट का बता दूंगा। ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, इसके अंदर पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है। ये आप लोगों ने लिख लिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन का सेक्शन। इस पेपर के अंदर दूसरा सेक्शन जो है SLR दिया गया है, मेथोडोलॉजी का सेक्शन दिया गया है। ये आपके पास दूसरा सेक्शन रिसर्च मेथड को जाहिर किया गया है, और रिसर्च मेथड का, मेथोडोलॉजी का सेक्शन हमने इसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन भी लगाया है। तो ये आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सेक्शन है, ये आपके पास आपकी असाइनमेंट के अंदर जो आप पेपर बना रहे हैं उसके अंदर रिसर्च मेथड का सेक्शन जो है, मेथोडोलॉजी का सेक्शन, ये सेक्शन 3 बन जाएगा आपका। ये बात गौर से सुन लें, ये सेक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन सेक्शन 3 बन जाएगा आपके पास। इसके बाद ये वाला सेक्शन आएगा सेक्शन 3, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये लिखा हुआ है सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 लिखा है। ये सेक्शन 3 जो है यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके पास, ये आपके पास सेक्शन 3 है रिजल्ट्स का। ये हम रिजल्ट्स का सेक्शन बनाएंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो है सेक्शन 4 के अंदर हम आगे चलेंगे।
ये डिस्कशन का सेक्शन है, ये हम रिजल्ट एंड डिस्कशन का एक ही सेक्शन बना लेंगे, या डिस्कशन का अलग भी सेक्शन वो बना लेते हैं। कई पेपर के अंदर आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन का एक ही सेक्शन नजर आता है, तो ये आपके पास नजर आ रहा है डिस्कशन का सेक्शन, ये आपके पास डिस्कशन का सेक्शन है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है डिस्कशन का सेक्शन। ये पेपर में हम इस तरह डिस्कशन का सेक्शन लगाएंगे। इसके बाद ये लिमिटेशन फ्यूचर रिसर्च और लिमिटेशन ऑफ द रिव्यू, ये हम चीजें कई बार इसको सेपरेट सेक्शन लगा देते हैं और कई बार जो है इसको कंक्लूजन का हिस्सा बना देते हैं इस चीज को। इसको लिमिटेशन का हिस्सा भी बना देते हैं, सॉरी कंक्लूजन का हिस्सा बना देते हैं इस पांचवा जो सेक्शन है इसको। आपके पास जो अगला सेक्शन है, जो अगला टास्क है, वो है आपके पास मेथोडोलॉजी का सेक्शन। मेथोडोलॉजी आपके पास वो सेक्शन है जिसके अंदर आप तरीकाकार बताते हैं कि मैंने जो तरीकाकार के तहत रिसर्च की, वो आप तरीकाकार जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम बताते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी एग्जिस्ट कर रही हैं, आपकी जो प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने जा रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए पहले कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की गई हैं और उन मेथोडोलॉजीज के कौन से रिजल्ट्स निकले हैं। फिर आप क्या करते हैं कि फिर उन मेथोडोलॉजीज को आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, उन मेथोडोलॉजीज के अंदर आप फ्लॉज भी ढूंढते हैं और आप ये इंडिकेट करते हैं कि ये मेरी जो मेथोडोलॉजी है जो मैं लगा रहा हूं, ये मेथोडोलॉजी एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी से ज्यादा बेहतर है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये भी होता है इसी मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर कि आप जो है बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह की जो प्रॉब्लम थी वो इस मेथोडोलॉजी के साथ रिजॉल्व की गई, उनके सॉल्यूशन दिए गए और मैं भी इस मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए इसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहा हूं। और आप अपनी वही जो मेथोडोलॉजी जो आप लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को, उसी मेथोडोलॉजी को आप एक्सप्लेन फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेक्शन के अंदर जाके करते हैं। अब हम इस जो हमारा रिव्यू पेपर है इसके अंदर हम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं SLR। SLR से मीन ये है कि आपके पास सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, ये आपके पास पेपर है। आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग चीजों को स्टडी करते हैं, एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आप पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, जर्नल आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स को आप पढ़ते हैं, वाइट बुक्स पढ़ते हैं, आप टेक्निकल जो है पेपर्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं। तो आप लिटरेचर को स्टडी करते हैं जो पहले से किया हुआ काम है, आप उस सारे काम को स्टडी करते हैं और फिर आप उस सारे काम को प्रेजेंट करते हैं जो आपने जो ऑलरेडी काम हो चुका हुआ है। ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। इसके अंदर आप बताते हैं कि मैंने ये पेपर पढ़े, मैंने सर्च किया इंटरनेट के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर, इस तरह के पेपर्स अवेलेबल, कितने पेपर्स हैं, कितनी साइटेशंस हैं उनकी, पेपर्स की कितनी साइटेशंस हैं, और उन पेपर्स के बारे में आप डिटेल के अंदर डिस्कशन भी करते हैं उन पेपर्स के अंदर, और आप मुख्तलिफ कंपैरिजंस करते हैं। वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के सेक्शन के अंदर। लोग इस पेपर के अंदर आपको सेपरेट सेक्शन नजर आ रहा है रिजल्ट का और डिस्कशन का सेक्शन सेपरेट नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पेपर्स हैं
उनके अंदर आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन का एक ही सेक्शन नजर आता है। आप इनको दो सेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स के अंदर रिजल्ट एंड डिस्कशन का एक ही सेक्शन मौजूद होता है। अब ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू तो आपको समय लगे बात के, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी दिए गए हैं, आप उन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को आप स्टडी कर रहे हैं, आप उनका एनालिसिस कर रहे हैं, आप उन सॉल्यूशंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वर्क कर रहे हैं, आप अपना कोई भी नया काम प्रपोज नहीं कर रहे। जब आप अपना नया काम प्रपोज करते हैं तो आपका रिसर्च आर्टिकल बन जाता है, आपका लिटरेचर रिव्यू नहीं बनता। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग जो स्टडी है इसको आप पढ़ते हैं और अपना जो है इसके ऊपर आप मुख्तलिफ रिजल्ट्स जो है और इसकी डिस्कशन जो है ये इसके ऊपर आप करते हैं। आप कोई नई चीज प्रपोज करने नहीं जा रहे, आप किसी नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करने जा रहे, आप कोई भी प्रॉब्लम है इसके ऊपर आप नया सॉल्यूशन नहीं दिया जा देने जा रहे। आप सिर्फ लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो एग्जिस्टिंग काम किया गया है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग काम है आप उस एग्जिस्टिंग काम को सिर्फ रिव्यू करते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर आप उसके रिजल्ट्स और डिस्कशन करते हैं और आप अपना पेपर एंड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। अब सिस्टमेटिक का क्या मतलब है? सिस्टमेटिक का मतलब यह है कि किसी एक खास तरीकाकार से किसी भी चीज को बेहंगम नहीं, किसी भी तरीकाकार से चीज को करना, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे से करना, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक चीज करने से। ये आम इंग्लिश का लफ्ज है जिसे हम आम रूटीन में कहते हैं यार सिस्टमेटिकली काम कर लें। तो सिस्टमेटिकली आप एक काम करते हैं, किसी तरीके को अडॉप्ट करते हुए, किसी मेथोडोलॉजी एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आप अपना काम अंजाम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। आप लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं लेकिन आप सिस्टमेटिकली तरीके से जो है वो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आप बेहंगम तरीका नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाती हैं। अब हम देखते हैं नीचे, अब आपका क्या काम है। अब आपने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है इसके अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पर SLR वही कंडक्टेड है, SLR अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी प्रपोज्ड बाय किट्सन हैम एंड चार्टर्स। ये 46 पेपर नंबर साइटेड है। ये साइटेशन कैसे लगानी है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लगाएंगे, लेकिन अभी आपने ये साइटेशन वाला जो है पोर्शन है यहाँ पर आप डैशेज लगा लें या आप खाली ये जो ब्रैकेट्स हैं आप इनको लगा लें, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंसिंग कैसे लगानी है, साइटेशंस कैसे लगानी है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरे तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने लगानी है, यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी इस पेपर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है, और फिर हम दूसरे पेपर्स की रिसर्च मेथोडोलॉजी देखेंगे, वो भी इससे थोड़ी सी मिलती जुलती होगी लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होगी। वो वेरिएशन भी आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर ये सेक्शन नया ऐड है या इस सेक्शन का नाम थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज है, ये चीजें भी आपको सारी की सारी समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो है ये बात कर रहा है प्लानिंग द रिव्यू, कि जब भी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करना है, जब भी आप किसी एक टॉपिक पे 6 बुक्स पढ़ना चाह रहे हैं या 10 बुक्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, या एक टॉपिक आपको दिया जाता है कि आप एक इस टॉपिक के ऊपर मजमून लिखें, तो आप उस मजमून लिखने से पहले आपको कहा जाता है कि ये 20 किताबें या 30 किताबें ये आपके पास लाइब्रेरी है, इसमें से आप इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो बुक्स ढूंढें। तो सबसे पहले आप प्लानिंग द रिव्यू करेंगे, आप बुक्स को उस लिटरेचर को पढ़ने से पहले आप प्लानिंग करेंगे। अगला फेज जो आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर अ रिव्यू, आपको
जरूरत क्यों पड़ रही है रिव्यू करने के लिए, क्या आपको एग्जिस्टिंग ऐसा जो प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपका रिसर्च टॉपिक है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर पहले कभी भी उसी चीज के रिलेटेड रिव्यू नहीं हुआ हुआ, ये भी चीज आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये आप इसके अंदर इन फेज वन ये लिखा हुआ है, वो आइडेंटिफाइड दैट देयर वाज नो एसएलआर इन द फील्ड ऑफ डेटा माइनिंग एप्लीकेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जरूरियात बयान कर रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ फॉर रिव्यू, आपको रिव्यू करने की कौन सी जरूरत पड़ गई कि आप एसएलआर जो है इसके ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इसका फेज वन, और ये फेज वन के अंदर ये दूसरा सेक्शन आ गया 2.1 पे। आगे 2.12 पे स्पेसिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन है। रिसर्च जो आप क्वेश्चन बनाते हैं, हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करने से पहले, आप हमेशा रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस के आप जाके जवाब ढूंढते हैं। हमेशा आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे और आप उन क्वेश्चंस के जाके जवाब लिटरेचर रिव्यू के दरमियान में ढूंढेंगे। तो ये आपके रिसर्च क्वेश्चन आएंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिसर्च क्वेश्चन इसने किस तरह के बनाए। फिर ये आगे बात कर रहा है कि आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। फिर आप वो जो रिसर्च क्वेश्चंस के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चंस के रिलेटेड आपके पास जो मटेरियल होगा, आप बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, आप उसमें से रेलिवेंट मटेरियल सर्च करेंगे। आपके पास लाइब्रेरी में 1000 बुक्स हो सकती हैं, नेट के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ बुक्स हैं, लेकिन आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप मटेरियल जो है वो आप उसको ढूंढेंगे, आप उसको सेग्रीगेट करेंगे, आप उसको अपडेट करेंगे, आप उसको स्टोर करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके पास इस पहले फेज का हिस्सा आ जाती है। अब ये चीजें जो हैं, इस तरह की आपने एक डायग्राम बनानी है, डिजाइन आप इसका मुख्तलिफ करें, आपके पेपर के अंदर भी इस तरह की डायग्राम आएगी। और उस डायग्राम के अंदर, ये मैं पहले बात बता दूं, उस डायग्राम के अंदर फेजेस के नाम भी चेंज होंगे। आपने ये नहीं करना कि सेम एज इट इज डायग्राम बनाए और आप मुझे टका दें, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 2-3 और डायग्राम इसी तरह की दिखाता हूँ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम बनाएंगे तो आप अपने पेपर के अंदर लगाएंगे। तो ये फेज वन के अंदर ये तीन स्टेप्स, इसकी इन तीन स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर अ रिव्यू, स्पेसिफिक द रिसर्च क्वेश्चन और ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। उसके बाद अगले इस एसएलआर में क्या होता है, सिस्टमेटिक लिटरेचर, कंडक्ट द रिव्यू। अब पहले फेज के अंदर आपने देखा कि हमें रिव्यू करने की क्या जरूरत है, हमें रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हम क्या चीज ढूंढने जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, आप क्या चीज ढूंढने जा रहे हैं, स्पेसिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चंस, आखिर आपके जीन के अंदर क्या है जो आपको ढूंढने पे मजबूर कर रहा है कि आप उसको फाइंड आउट करें। तो वो चीजें आपके पास रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी और फिर आप उन रिसर्च क्वेश्चन के जो रिलेटेड जो चीजें हैं वह आप उस डेटाबेस में से और अपने रिसर्च क्वेश्चन के रेलिवेंट जो है चीजें आप उनको ढूंढेंगे। और उसके बाद जब ये ढूंढ लेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च है, आप रिसर्च को आइडेंटिफाई करेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज, आपने जो सबसे शुरू में जो काम हुआ शुरू के अंदर उसी टॉपिक के रिलेटेड आप उसको देखेंगे। एब्स्ट्रक्शन ऑफ डाटा, आप उस डाटे को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से अपने मुतल्लिका डाटे को निकालेंगे, मुख्तलिफ चीजों को आप स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद एब्स्ट्रक्शन ऑफ डाटा से मुराद ये है कि आप अपने पेपर के रिलेटेड अपने रिसर्च क्वेश्चन जो हैं, जो रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन्हीं रिसर्च क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे डाटे को, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको सही तरीके से स्टोर करेंगे। और उसके बाद स्पेसिफाइंग डिसिमिनेशन मैकेनिज्म, फिर आप जो है उस जो आपके पास डाटा बन गया, जो आपने रिजल्ट बना लिए, आपने
मुख्तलिफ उस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ लिटरेचर पढ़े, आप उसमें से मुतलका अपना जो प्रॉब्लम के रिलेटेड डाटा है आपने उसको निकाला, ऑर्गेनाइज किया और उसको फिर आप मुख्तलिफ आप उसको एक मेन रिपोर्ट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो इस ये जो तीन फेजेस हैं इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर ये तीन फेजेस दिए गए हैं। इन तीन फेजेस को वो SLR कह रहा है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। अब यही चीजें जो हैं इस पेपर के अंदर दी गई हैं और ये सारी की सारी इस पेपर के अंदर बताई गई हैं। ये देखें जरा यहाँ पर ये आगे बता रहा है इस पेपर के अंदर, ये मैं आपको बताऊं ये फिगर के थ्रू समझा रहा है। ये कह रहा है जी कि मैंने डेटाबेस बनाई, जब मैंने जो मेरे काम के रिलेटेड चीजें मैंने ढूंढी तो मुझे 160 चीजें गूगल स्कॉलर से मिली, पबमेड से जो है 48 मिली, साइंस डॉट से 96 मिली, स्प्रिंगर से मुझे अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड 53 पेपर मिले, स्कोपस से मुझे 133 पेपर मिले, ये मुझे 502 आर्टिकल्स हो गए, 502 में से मैंने कांट छांट करके 257 कर लिए, फिर मैंने कांट छांट की और फिर जो है 100 पेपर रह गए, फिर मैंने उसको कांट छांट की तो 42 पेपर रह गए। ये आपको बता रहा है कि मैंने चीजों को रिफाइन कैसे किया है। अब आते हैं जी लेक्चर की तरफ दोबारा। तो यहां पर ये इसके अंदर बता रहा है कि ये मैंने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया, तो मैंने 502 पेपर पहले सर्च आउट किए, फिर मैंने सिलेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ द इंक्लूजन क्राइटेरिया, मैंने एक और क्राइटेरिया लगाया, उसमें 257 पेपर रह गए, फिर मैंने और रिमेनिंग पेपर जो है उसके अंदर मजीद रिफाइनमेंट की तो 100 पेपर रह गए, फिर 42 पेपर रह गए और वो 42 पेपर मैंने आगे स्टडी किए। मैं पेपर आपको ये गो थ्रू करा रहा हूं, इसी पैटर्न में आपका पेपर बनेगा। एक ये भी फिगर आपने अपने पेपर के अंदर लेके आनी है, ये पेपर देखें जरा, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। इस पेपर के अंदर वो ना आपने एक्सेल के अंदर शीट बना लेनी है, ये जो 42 पेपर है ना उसके पास, उसने बताया कि ये 42 पेपर 2004 में कितने छपे थे, यानी जो 2004 में कितने पेपर थे, 2006 में कितने थे, 6 से 8 के दरमियान में कितने थे, 19 वाले 20 वाले। अब वो बता रहा है कि 42 पेपर में से 12 पेपर जो है ये 12 की बजाय 13 कर लें, 13 पेपर जो है वो 2012 वाले हैं। तो आप ईयर वाइज डाटा बना लेंगे अपने पेपर्स का कि पेपर 1, 2, 3, 4, 5 42 पेपर हैं और 42 पेपर का ईयर ऑफ पब्लिकेशन नोट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 42 पेपर थे ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईयर वाइज कैसे आ रही है। ये सिंपल सी बात है, एक्सेल के अंदर दो कॉलम बनने हैं, एक आपका पेपर का नंबर बन जाएगा और दूसरा आपका ईयर आ जाएगा। तो ईयर वाइज जो 42 पेपरों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईयर वाइज इस ग्राफ की शक्ल के अंदर आ जाएगी। ये इसने अपनी स्टडी के बारे में डिटेल से डिस्कशन की हैं। ये डोमेन वाइज की है इसने कि इस डोमेन के इतने 62% पेपर थे, ये इस डोमेन के कितने परसेंट पेपर मैंने डाउनलोड किए, इस डोमेन के कितने परसेंट डाउनलोड किए, इस पेपर के कितने डाउनलोड किए और इसी तरह ये देखें जरा। फिर ये डोमेन वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर ईयर ऑफ डाटा माइनिंग ऑब्जेक्टिव यूज इन सिलेक्टेड पेपर, डाटा माइनिंग जो उसने अपने जो 42 पेपर हैं उनमें से टॉपिक के रिलेटेड जो है वो कितने यूज हुए, ये इस तरह का एक और चार्ट आ जाएगा आपके पेपर के अंदर भी। ये आगे रिजल्ट्स वाले दूसरे सेक्शन आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पर ईयर डाटा माइनिंग टेक्निक यूज्ड इन सिलेक्टेड स्टडीज, जो उसने सिलेक्टेड पेपर्स थे उसके पास उसके अंदर डाटा माइनिंग टेक्निक्स कितने ईयर वाइज कितने पेपर्स के अंदर यूज हुई, ये भी जो है इसने अपनाना इसके अंदर इस अपना फिगर के अंदर सारी शो की हुई है। तो ये सारी ईयर वाइज पेपर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी उसने अपना टेक्निक वाइज उसको किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है पेपर्स को, यहाँ पर उसने पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव वाइज जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव वाइज और ईयर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्जेक्टिव वाइज ये ऑब्जेक्टिव है, ये चार ऑब्जेक्टिव है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ईयर वाइज की है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर इस पेपर को देखेंगे तो उसने टेक्निक वाइज
और ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की है पेपर्स की यहाँ पर, कि 42 पेपर्स के अंदर डिसीजन ट्री कितने पेपरों में यूज हुआ है, ये के मीन्स कितने पेपर में यूज हुआ है, केवीएम किस ईयर के पेपर के अंदर यूज हुआ है, तो ये भी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है। तो ये एक टेक्निक है, ये आपके पास इसके अंदर यूज हुई है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर। अब मैं एक और पेपर आपको दिखाता हूं ताकि एक और पेपर भी स्टडी कर लें, टाइम उतना ही होता है। फिर डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस फॉर द एल्डरली अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ये पेपर भी एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का पेपर है। इस पेपर के अंदर ये देखेंगे हम इसके, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेक्शन के अंदर ये पहला सेक्शन बता रहा है कि प्लानिंग फेज है, उसके अंदर भी प्लानिंग फेज लगा हुआ था और इस पेपर के अंदर भी पहला सेक्शन जो है वो प्लानिंग फेज आ रहा है। इसने ये आपके पास, ये आपके पास एक डायग्राम शो की है लिटरेचर रिव्यू की। अब इसने लिटरेचर रिव्यू को, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को तीन फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। यहां पर ये मैं शो करता हूं, ये देखें, ये प्लानिंग फेज है, ये कंडक्टिंग फेज है और ये रिपोर्टिंग फेज है। प्लानिंग फेज के अंदर पहली बात करता है आइडेंटिफाइंग नीड फॉर एसएलआर, रिसर्च क्वेश्चन, रिव्यू प्रोटोकॉल्स और एवेल्युएट रिव्यू प्रोटोकॉल्स। ये इसने प्लानिंग फेज के अंदर चार सब फेजेस दिए हैं। उसके बाद ये कहता है कंडक्टिंग फेज, तो टाइटल सर्च दूसरा आपके पास सिलेक्ट है, स्टेज रेफरेंस सर्च और टोटल। वो कहता है जी मैंने शुरू में 125 पेपर जो है वो फाइंड आउट किए अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड, उसको रिफाइन किया तो 19 बच गए, मजीद रिफाइन किया तो 11 पेपर बच गए, तो 19 और 11 जो है वो आपके पास 30 पेपर जो है वो आपके पास, कहता है मेरे पास जो सही अवेलेबल हैं वो आप मेरे पास 30 पेपर अवेलेबल हैं। फिर मैंने उन पेपर्स की क्या किया कि मैंने रिपोर्ट लिखी, फाइंडिंग लिखी, चैलेंजेस और सॉल्यूशन जो है उस रिपोर्ट के अंदर मैंने ये सारे बयान किए। ये देखें ये कंडक्टिंग फेज है और ये रिपोर्टिंग फेज है। अब ये इसके अंदर यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको चैलेंजेस और सॉल्यूशन बता रहा है कि मैंने कौन कौन सा पेपर है उसके अंदर कौन सा चैलेंज दिया गया है और उसके अंदर कौन सा जो है आपके पास सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है। ये इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। ये चार सॉल्यूशन दिए हैं और तीन इसने चैलेंजेस दिए हैं, कौन से पेपर के अंदर कौन सा चैलेंज दिया गया है हाईलाइट किया गया है और कौन से पेपर के अंदर कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर आपके पास इस पेपर इस टेबल के अंदर शो हो रही हैं। ये फिर इसने चैलेंजेस को एक्सप्लेन किया है और ये इश्यूज को ये सॉल्यूशन दिया है इसने, और ये आपके पास एक पेपर ये मौजूद है, ये इसके आगे रेफरेंसिंग लगेगी। तो आप अपनी डायग्राम जो है वो इस हिसाब से बना सकते हैं एसएलआर की। इसके अंदर आप इस तरह की स्टेजेस भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या पिछली कुछ स्टेजेस और इसकी स्टेजेस को मिला के भी आप एक अपना सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ये भी आप नया जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी आप, आपके पास एक पेपर है, आप इसको भी स्टडी करें। अब अगला पेपर दिखाता हूँ आपको एक और, ये आपके पास एक पेपर है, ये पेपर भी आपके पास सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जैसा ही है। इसके अंदर भी ये देखें जरा, ये इसने इस तरह की फिगर बनाई है और इसके अंदर भी इसने तीन स्टेजेस लगाई हैं, प्लानिंग की है, डेवलपमेंट की है और एक तीसरी जो है वो आपके पास रिजल्ट की आ रही है यहाँ पर। ये इसने प्लानिंग शो की है, उसके बाद इसने डेवलपमेंट शो की है और इसके बाद ये रिजल्ट्स की है। और अगर ये जो प्लानिंग है इसके अंदर यहाँ पर तीन हिस्से शो किए गए हैं, आइडेंटिफाइंग द नेसेसिटी ऑफ द रिवीजन, डिटरमाइन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन पीरियड ऑफ टाइम, ये तीसरा। और ये इस फेज की भी इसने आगे फर्दर तीन कैटेगराइज की हैं और रिजल्ट वाले की इसने दो कैटेगराइज की हैं। तो यहाँ पर भी इसने इस पेपर के अंदर भी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू
के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो ये भी आपके पास एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की एग्जांपल है कि आप अपनी प्रॉब्लम भी इसी तरह की बना सकते हैं। आप अब तीन पेपर हो गए हैं, इन तीनों पेपर्स की आप स्टेजेस को देखें और फिर आप अपनी एक स्टेज बना लें जिसके अंदर आप की यूनिक स्टेज होनी चाहिए। किसी और पेपर की स्टेजेस जो हैं एग्जैक्ट आपने कॉपी नहीं करनी। आप दो तीन आपके पास अब तीन हो गए, अब आप इनको मिला के भी आप एक सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू जो है आप डिजाइन करेंगे अपना। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ पेपर, ये आपके पास एक और पेपर है, इसके अंदर सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू फॉर द टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स फॉर सीक्वेंस इवेंट्स है। हमने यहाँ पर जो हमारा काम सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू, ये इस बंदे ने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे किया है, इसने कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं, कौन सी स्टेजेस इसने बताई हैं, हम इसको देखेंगे इस पेपर के अंदर। यहां पर ये देखें जरा, ये रिव्यू मेथड है, इस बंदे ने ये रिव्यू मेथड कौन सा यूज किया, इसने भी जनाब यहां पर बताया कि मैंने पहली जो है स्टेजेस मेरी प्लानिंग द रिव्यू है, दूसरी मैंने कंडक्टिंग की स्टेज है, पहली प्लानिंग की थी, उसके बाद कंडक्टिंग है और उसके बाद स्पेसिफाइंग द रिव्यू है। यहाँ पर इसने चार तीन चार पांच पांच जो है वो सब डोमेन्स हैं, सब सेक्शंस जो हैं यहाँ पर पांच जो है वो यूज किए गए हैं, एक दो तीन चार और पांच, ये पांच हैं। ये प्लानिंग के सेक्शन के आगे सब सेक्शन है, ये पांच हैं। कंडक्टिंग के अंदर भी यहाँ पर पांच सब सेक्शन इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, और लास्ट सेक्शन जो है इसका स्पेसिफाइंग द रिव्यू, इसने इसके अंदर भी तीन सब सेक्शन जो है वो इसके अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। अब ये इसने आगे इसके बारे में डिटेल में चीजें बताई हैं, मैंने SLR कैसे कंडक्ट किया और मैंने इसको क्या फाइंडिंग लेके आया। ये हर फाइंडिंग पेपर की फाइंडिंग लदा लदा होगी, लेकिन मेन यहाँ पर जो चीज समझने की है वो हमने इस बंदे ने SLR सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किस तरह कंडक्ट किया, कौन सी स्टेजेस इसने यूज की, कौन सी इसके अंदर सेक्शन यूज किए और कौन से सब सेक्शन यूज किए, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो लिटरेचर रिव्यू के इसका हिस्सा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेपर, ये एक और पेपर है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके टाइटल में भी आपको नजर आ रहा होगा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, ये देखें जरा। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड, आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर पब्लिश हो चुके हुए आपने उनको भी डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको अपने पेपर का जो मेथोडोलॉजी सेक्शन है उसको लिखते वक्त आपको आसानी हो। ये बात मेरी नोट कर लें आप कि आपने अपनी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के, आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड जो SLR होगी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो पेपर लिखे होंगे, आप अपना सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इन या ऑन करके अपना जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो आपका एरिया है, उसके रिलेटेड आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर मिलेंगे आपको नेट से बेबहा मिल जाएंगे। आप उन पेपर में से देखें कि उन्होंने कैसे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म किया है, कौन से सेक्शन परफॉर्म किए हैं, कौन से सब सेक्शन परफॉर्म किए हैं, कौन सी चीजें प्रपोज की हैं और उन्होंने रिजल्ट्स कैसे निकाले हैं, डिस्कशन कैसे किए हैं, उन्होंने रिसर्च क्वेश्चन कैसे प्रपोज किए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए। ये मेथोडोलॉजी का सेक्शन जो है इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू, इन दोनों से जो टफ सेक्शन होता है वो आपके पास मेथोडोलॉजी का सेक्शन होता है, इसके बाद जो टफ सेक्शन होगा वो आपके पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन होगा। कंक्लूजन कोई इतना टफ सेक्शन नहीं है, ना एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन ये दोनों इतने मुश्किल एरिया नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 250 से 400 वर्ड्स तक का होता है एब्स्ट्रैक्ट, मोस्टली लोग ज्यादातर 250 वर्ड्स तक एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं, और जो कंक्लूजन है वो भी आपकी 400-500 वर्ड्स तक की होती है, जबकि जो दूसरे सेक्शन होते हैं इनकी लिमिट कोई नहीं होती।
तो ये इस पेपर के अंदर देखते हैं हम कि इस पेपर में उसने कैसे काम किया है, ताकि आपको और जो है इसका अंदाजा हो सके। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है फिगर नंबर 1। अब इसने जो है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं ताकि जो है वो आपको समझने के अंदर आसानी हो। ये इसने स्टेप 1 बताया है, और इस स्टेप 1 के अंदर ये आपके पास 1 2, ये 2 जो हैं सब सेक्शन जो हैं इसके अंदर आपके पास नजर आ रहे हैं। फिर इसी के अंदर इसी SLR को कंडक्ट करने के लिए ये यहाँ पर ये दूसरा उसने स्टेप बताया है, और इस स्टेप के अंदर भी आपके पास 1 2 3 4 चार जो है उसने आगे सब सेक्शंस बताए हैं। उसके बाद वो आगे चलता है, उसे कहता है स्टेप नंबर 3 सिलेक्टिंग द फाइनल सैंपल्स, और फाइनल सैंपल्स के लिए उसने फिर आगे जो है उसने आगे 1 2 3 सेक्शंस जो है बताए, और इसके बाद वो फिर आखिरी सेक्शन में चला जाता है सेक्शन 4 डेटा सेक्शन एंड सिंथेसिस, और फिर जो है 1 2 3 तीन सेक्शन जो है यहाँ पर भी प्रपोज किए गए हैं। अब यहाँ पर ये सारा ये आ रहा है आपके पास, और इन सेक्शंस की जो डिटेल है वो उसने यहाँ पर इन सेक्शंस की डिटेल जो है यहाँ पर हाईलाइट की है। यहाँ पर आप जाके इन सेक्शंस की डिटेल को आप स्टडी कर सकते हैं कि इसने ये जो है वो SLR जो है सेक्शंस प्रपोज किए हैं, तो इन सेक्शंस के प्रपोज के अंदर उसने क्या क्या कैसे प्रपोज किए और क्या चीजें डिस्कस की, इस सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। तो मेनली जो है जो आपने फोकस करना है, आपने अपने रिसर्च पेपर का जो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं एज ए टर्म पेपर आप असाइनमेंट जमा करवाने के लिए, उस रिसर्च पेपर का आपने बताना है, आपने उसका मेथोडोलॉजी का सेक्शन लिखना है। मेथोडोलॉजी के सेक्शन आप मैंने 5 पेपर भेजे हैं आपको, इन 5 पेपर्स को आप स्टडी करें, इसमें देखें कि उन्होंने मेथोडोलॉजी कैसे लिखी है। उसके बाद आप उसको देखें कि उन्होंने SLR के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो परफॉर्म किए हैं, कौन कौन सी SLR के लिए स्टेजेस परफॉर्म किए हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी।